ही आदिशक्ति। हे आदिशक्ति, कभी कभी ब्रह्म की लीला में मैं स्वयं भी उलझ जाता हूं। आपके आने का कारण मुझे ज्ञात है, किंतु आप तो सर्वव्यापी हैं। आप जानती हैं कि असुर कुमार शंखचूड़ मेरी तपस्या करने के पश्चात मुझसे क्या मांगेगा और उसका क्या परिणाम होगा। हे आदि प्रजापति, आपकी चिंता का कारण केवल यही नहीं, कुछ और भी है। आप तो भाग्य विधाता है, आपने जो लिख दिया उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो ये भूल जाइए कि शंखचूड़ कौन है और तुलसी कौन है। आप जाइए और उन दोनों के प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्य वचन, सत्य वचन देवी भुवनेश्वरी। परिणाम को मैं ब्रह्म पर छोड़ता हूं और आपकी इच्छा अनुसार मैं वहां जाता हूं। कितनी रातें बीत गई हैं, मैं देख रहा हूं कि जैसे आपकी आंखों से निद्रा भाग गई है। मैं क्या करूं महाराज, जिसकी एकमात्र लाडली पुत्री हिमालय के भयानक हिमपात में तप कर रही हो, इतने कष्ट उठा रही हो, उस माता को भला नींद कैसे आ सकती है। आप सत्य कह रही हैं महारानी, मुझे भी कई रातों से इसी चिंता ने घेर रखा है। अब मेरी आंखों में निद्रा नहीं, पुत्र शंखचूड़ की छवि सदा मेरी आंखों के सामने रहती है। महाराज, यदि ऐसा था तो आपने उसे तपस्या के लिए भेजा ही क्यों? उसे भेजा एक आशा से, तपस्या के लिए उसे भेजते समय मेरी आंखों में एक सपना पल रहा था। मैंने सोचा महारानी, जब हमारे पुत्र को उसकी घोर तपस्या का वर मिलेगा, तब हमारा पुत्र और अधिक बलशाली हो जाएगा और अधिक प्रतापी हो जाएगा, और तब हमें देवताओं का कोई भय नहीं रहेगा। प्रजापति ब्रह्मा तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो वत, वर मांगो। क्या मांगना चाहते हो? मैं धन्य हुआ। हे आदि प्रजापति, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। नहीं वत, मैं तुम्हें यह वर नहीं दे सकता, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। किंतु हे आदि प्रजापति, आज से पहले आपने कितने ही तपस्वियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया है। हां दिया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मेरी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई है या फिर वो अधूरी है।
तभी तो आप मुझे इस वरदान से वंचित करना चाहते हैं। नहीं शंखचूड़, वत्स ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, सब प्रकार से वरदान के योग्य है। जहां तक वरदान का प्रश्न है, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो तुम जैसे तपस्वी का अधिकार है। किंतु मेरी इच्छा तुम्हें एक अनोखा वर देने की है, ऐसा वर जैसा न किसी ने मांगा हो और ना किसी ने दिया हो। हे आदि प्रजापति, मैं समझा नहीं, आपकी बात बड़ी रहस्यमयी लग रही है। शंखचूड़, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, सब स्पष्ट है। तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब कोई तुम्हारी पत्नी का सतीत्व भंग करेगा। हे आदि प्रजापति, आपने तो सचमुच मुझे मनचाहा वर दे दिया। धन्य है आप, आपने तो मुझे अमरत्व प्रदान कर दिया। मैं विवाह ही नहीं करूंगा, फिर तो मेरी मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं वत्स, विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य लेख में मैं विवाह लिख चुका हूं। हे आदि प्रजापति, आपसे बड़ा मेरा शुभचिंतक और कौन होगा। अब तो मेरी होने वाली पत्नी का चुनाव भी आप ही को करना होगा। अवश्य करूंगा, तथास्तु। आंखें खोलिए, मैं आदि प्रजापति ब्रह्मा हूं। मांगिए, आपको क्या वर चाहिए? सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुंदर वर? नहीं आदि प्रजापति, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? हे आदि प्रजापति, मुझे तो केवल श्री विष्णु को पाने की इच्छा है। मैं श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या बात है आदि प्रजापति, यदि आप समझते हैं कि इस वरदान के योग्य मेरी तपस्या नहीं है, तो मैं और अधिक तपस्या करने के लिए प्रस्तुत हूं। लगता है मेरी साधना अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई। नहीं देवी तुलसी, ये बात नहीं। इतना कठिन तप तो आज से पहले भगवान शिव को पाने के लिए केवल देवी पार्वती ने ही किया था। यदि आप सचमुच श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हैं, तो मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कहूंगा आप उसे मानेंगी और कोई प्रश्न नहीं करेंगी। आप बस इतना समझिए कि आपको अपने तप के फल का मूल्य चुकाना है। कही आदि प्रजापति, मुझे क्या करना है? मैं वचन देती हूं कि मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगी। वचन देने से पहले पुनः एक बार सोच लीजिए। जब श्री हरि को प्राप्त करना है तो सोचना कैसा? आप कहिए आदि प्रजापति, क्या करना है मुझे? तो सुनिए, मेरी इच्छा है कि आप असुरराज दंभ पुत्र शंखचूड़ से विवाह करें।
ये आपने क्या कह दिया है आदि प्रजापति? मैं तो श्री नारायण को प्राप्त करना चाहती हूँ। देवी तुलसी, मैं ब्रह्मा आपको नारायण की प्राप्ति का ही मार्ग बता रहा हूँ। आपका भाग्य मैंने अपने हाथों से लिखा है, उसे मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि जब आपने वचन दिया है तो आप अपने वचन का पालन करें। मैं तो आपको यह भी नहीं बता सकता कि आप इससे पूर्व कौन थी, क्या थी। अब निर्णय मैंने कर लिया है। यदि श्री हरि को प्राप्त करने का यही मार्ग है तो असुर राज दंभ के पुत्र राजकुमार शंखचूड़ मेरे पति होंगे। और जब मैं आपको ये वचन दे चुकी हूं तो आपसे सत्य कह रही हूं। अब मेरे हृदय में किसी अन्य को पाने की कोई इच्छा नहीं। अब और कुछ हो भी नहीं सकता। आपको वर मिल चुका है और आपने भी अपने भावी पति का चुनाव कर लिया है। अब आपकी ओर से विवाह प्रस्ताव लेकर आपके पिताश्री महाराज धर्मध्वज के राज पुरोहित को जाना चाहिए। ऐसा ही होगा आदि प्रजापति, ऐसा ही होगा। आयुष्मती भव। वैसे तो इस प्रकार मार्ग में किसी स्त्री से बात करना असभ्यता है, किंतु असुर हूं इसलिए असुर होने का लाभ उठा लेता हूं। चिंता न करें देवी, मैं वैसा असुर भी नहीं हूं कि किसी असभ्यता पर उतर आऊं। तो पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं और आपसे भी केवल आपका परिचय ही लूंगा। तो पहले अपना परिचय मैं आपको दे दूं। मैं धर्म नगरी के महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूं। बस इतना ही परिचय है मेरा। और मेरा भी कुल इतना ही परिचय है कि मैं दानवराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूं। सुनिए देवी, आश्चर्य है, अपनी पत्नी चुनने का अधिकार तो मैंने आदि प्रजापति ब्रह्मा को दे दिया है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी पत्नी चुन भी ली, मेरे हृदय पर इस देवी तुलसी का अधिकार हो चुका है। महारानी, आपके आदेशानुसार कक्ष को भली भांति सजा दिया गया है। वल्लरी, एक बार फिर से देख, कोई कमी ना रह जाए। क्या हुआ महाराज? महारानी, वल्लरी ने अपना कार्य कुशलता पूर्वक किया है। ये तो आपका पुत्री प्रेम है जो आपको भ्रम में डाल रहा है। क्यों ना हो महाराज, इतने दिनों पश्चात मेरी पुत्री अपना तप समाप्त करके घर लौट रही है। माते, मेरी लाडली पुत्री, मेरी पुत्री, माते, माताश्री, आयुष्मती भाव, पिताश्री, मेरी पुत्री,
पिताश्री। अरे नहीं नहीं नहीं, आयुष्मती भाव, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ पिताश्री। पुत्री, तुमने कैलवा भेजा था कि हम तुम्हारा मुख्य द्वार पर स्वागत ना करें। हाँ पिताश्री, मैं तो तप करके लौटी हूँ। हाँ पुत्री, वो तो दिख रहा है, तपने से सोना कुंदन बन जाता है। दासियों, तुम लोग जाओ, मेरी पुत्री को विश्राम करने दो। हमारी पुत्री ने बड़ी कठिन तपस्या की है। हाँ पिताश्री, और मेरी तपस्या सफल भी हुई। पिताश्री, स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे दर्शन दिए। अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, और मैं अपनी पुत्री की संकल्प शक्ति को जानता हूँ। किंतु पिताश्री, तपस्या के फल के लिए मैंने आदि प्रजापति ब्रह्मा जी को अपनी ओर से एक वचन दिया है। मैंने ब्रह्मा जी को यह आश्वासन भी दिया है कि मैं अपना वचन प्राण रहते अवश्य निभाऊंगी। पुत्री, वचन देने का यही अर्थ होता है। अच्छा ये बताओ, वचन पालन करने में मैं क्या सहयोग दे सकता हूं? बस आप दोनों के ही सहयोग की आवश्यकता है। माताश्री, आदि प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेरे भावी पति का चुनाव कर लिया है। क्या? ये तो बड़े हर्ष की बात है। जिसका चुनाव स्वयं ब्रह्मा जी ने किया हो वो तो श्रेष्ठ वर होगा। बताओ पुत्री, शीघ्र उसका नाम बताओ। हाँ हाँ पुत्री, हमें भी उसका नाम बताओ। बताओ पुत्री। पुत्री, हमसे कैसी लज्जा, हम ही तो तुम्हारा वागदान करेंगे, और फिर तुम भी तो वचनबद्ध हो। पुत्री, हमें भी उस भाग्यशाली का नाम बताओ जिसका ध्यान करते ही हमारी सुशील कन्या की पलकें लज्जा से झुक गई। बताओ पुत्री, कौन है वो? असुर राज दंभ के पुत्र राजकुमार शंखचूड़।